CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल एक उन्नत बहुमिशन हेलीकॉप्टर है। यह उच्च ऊंचाई तक भारी पेलोड पहुंचा सकता है और उच्च हिमालय में परिचालन के लिए अनुकूल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सैन्य और HADR मिशनों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाएगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में 10 रोचक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, चिनूक भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण बल गुणक है जो कि विभिन्न इलाकों और परिस्थितियों में काम कर सकता है। यह एक उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सशस्त्र बलों को लड़ाकू और मानवीय मिशनों के पूरे स्पेक्ट्रम में बेजोड़ सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करेगा। क्या आप जानते हैं कि यह M777 हल्के होविट्जर विमानों को एयरलिफ्ट करने की क्षमता रखता है जो पिछले साल भारतीय सेना के आर्टिलरी में शामिल किए गए हैं। नंबर 2, चिनूक हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता लगभग 10 टन है, यानी यह 10 टन तक के भार को कहीं भी ले जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, डिवाइस, इंजन, सड़क निर्माण और इंजीनियरिंग उपकरणों को ढोने में किया जाएगा। इसके अलावा इनका इस्तेमाल आपदा रहित इलाकों में भी किया जाएगा। यह भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाकों में पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति करेंगे। नंबर 3, चिनूक भारी ऊंचाइयों तक भारी पेलोड पहुंचा सकता है और उच्च हिमालय संचालन के लिए भी अनुकूल है। इससे सैन्य और HADR मिशनों में भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी, इसलिए इसे किसी भी समय और सभी मौसम में संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा यह कठिन और घने इलाकों में ऑपरेशन के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि यह एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। नंबर 4, चिनूक की पहली इकाई को IAF में 25 मार्च 2019 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन 12 विंग में शामिल किया गया है। नंबर 5, बोइंग CH-47 एक भारी लिफ्ट अमेरिकन टैंडम रोटर हेलीकॉप्टर है जो 15 से ज्यादा देशों के सशस्त्र बलों को सेवा प्रदान करता है और इसे अमेरिकी रोवरक्राफ्ट कंपनी वर्टोल द्वारा विकसित किया गया है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि चिनूक नाम आधुनिक अमेरिकी वॉशिंगटन राज्य के मूल निवासी चिनूक लोगों के नाम पर रखा गया है। नंबर 7, चिनूक हेलीकॉप्टरों के रूप में यह मल्टी मिशन भारी लिफ्ट परिवहन हेलीकॉप्टर है जो वे सैनिकों, भारी मशीनरी, तोप, गाड़ियां, युद्ध के मैदान पर उपकरण, गोला बारूद जैसी सामग्री का परिवहन करने में सक्षम होंगे। नंबर 8, इनका न केवल सैन्य अभियानों के लिए बल्कि आपदा राहत, सर्च ऑपरेशन और रिकवरी जैसे कार्यों, चिकित्सा और नागरिक विकास के लिए भी किया जाएगा। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर 9 टन से ज्यादा का अधिकतम पेलोड और 45 सैनिकों का भार वहन करने की क्षमता रखता है। घने कोहरे और धुंध में भी एक्शन लेने में सक्षम है। यह बेहद कुशलता से मुश्किल जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें कॉमन एविएशन आर्किटेक्चर और उन्नत कार्य हैंडलिंग क्षमताओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल कॉकपिट प्रबंधन प्रणाली है। नंबर 10, यहीं आपको बता दें कि फरवरी 2007 में नीदरलैंड ने CH-47F के 17 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इस प्रकार यह पहला विदेशी खरीदार बना था। इसके बाद चिनूक UK, कनाडा, जापान, दक्षिणी कोरिया, UAE, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ग्रीस, अमेरिकी सेना रिजर्व और नेशनल गार्ड सहित 15 से अधिक देशों के सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।